नमस्कार, स्वागत है आपका इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, राजस्थान हेल्पर 2 के एग्ज़ाम अब ख़त्म हो चुके हैं और हमने थ्रू आउट यानी जब से एग्ज़ाम शुरू हुए हैं उनका बहुत बारीकी से एनालिसिस किया है और साथ में बिल्कुल बारीक नज़र रखी है स्टूडेंट्स के रिएक्शंस पर भी और कैसा एग्ज़ाम रहा। हर एक बात को मद्देनज़र रखते हुए आपके लिए लेकर आए हैं 100% परफेक्ट एनालिसिस की हुई कट ऑफ, यानी स्कोर वाला 100% लग जाएगा। तो चलिए फिर देरी किस बात की, शुरू करते हैं अपना एनालिसिस। लेकिन अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि राजस्थान हेल्पर से जुड़ी कोई भी आपकी न्यूज़ मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले आपको मैं मोटा मोटा ये बता दूं वैकेंसी आपकी थी तो 4 कंपनियों में ये जॉब आपको मिलेगी। तो जैसे जयपुर है तो टोटल 1360 जो JVVNL है, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, फिर ABVNL में है 391 और जोधपुर में है 338 और RRVPNL में 323, यानी टोटल मिलाकर ये आपकी कहने की ज़रूरत नहीं है कि 2412 पोस्ट हो जाती है। 2412 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम लिया 26 से 3 जनवरी के बीच में। तो अब आपके लिए सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है क्या कट ऑफ के लिए ये पोस्ट, ये आंकड़ा काम आएगा। तो आप थोड़ा गलत सोच रहे हैं, उन्होंने अपने सर्कुलर में बिल्कुल सही कहा था कि कट ऑफ के लिए आपको 1.5 यानी 1.5 गुना, डेढ़ गुना बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे हर कैटेगरी से। तो अब वो आंकड़ा क्या बनता है, यानी इस आंकड़े को आप भूल जाइए, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो जो मैं आपको नया आंकड़ा दे रहा हूं वो आपको काम आने वाला है। मेरे दोस्तों, जब जनरल कैटेगरी वाले जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो 1786 लोग जाएंगे चारों कंपनीज में, यानी कहीं थोड़ी वैकेंसी कम है तो उसका डेढ़ गुना, लेकिन टोटल चारों में 1786 ही लोग जाएंगे जनरल कैटेगरी के। BC की बात कर लें तो डेढ़ गुना होकर 741, MBC की बात कर लें तो 3300, SC की 564, ST 423, TSP 62 और सहरिया के चार लोग, चार कैंडिडेट आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाने वाले हैं। तो ये जो आंकड़ा है दोस्तों वो बैठता है 3600 से 3700 के आसपास, यानी टोटल जो लोग वैकेंसी के लिए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो आंकड़ा आपका 2400 से बढ़कर 3600 समथिंग हो जाता है। तो है ना अच्छी खबर कि 3600 लोगों पर अब चाहे कोई भी, किसी ने क्या कुछ कट ऑफ बताई है, किसी ने कुछ बताई है, लेकिन आपको ये मेरे ख्याल से नहीं बताया होगा कि कट ऑफ इस पे बनेगी, इस 3600 के आंकड़े पर आपकी कट ऑफ बनेगी। लेकिन ये तो हमने एक फैक्टर यहाँ पर डिस्कस किया, इसके बाद में जो और फैक्टर है और कारण है वो है कि आपका एग्ज़ाम क्या था और कितने लोग थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, अप्लाइड किया। तो चलिए सबसे पहले ये ऑफिशियल डाटा हमारे पास है कि 374,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था एज पर आपके विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की साइट कहती है इस बात को, 374,000, और स्टूडेंट अपीयर्ड हुए दोस्तों 305,000 से, डाटा थोड़ा सा ऊपर है लेकिन आप मानकर चलिए 305,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। टोटल 73 आपके एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए थे और परीक्षा तकरीबन आपकी 9 दिन चली थी। और कंपटीशन की बात कर लें, जब 2412 लोग होते हैं दोस्तों तो 127 कैंडिडेट बनते हैं एक सीट पर, लेकिन जब ये डेढ़ गुना हो जाएगा तो ये कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता है, फिर भी 100 कैंडिडेट पर सीट तो रहते हैं तो एक अच्छा खासा कंपटीशन हो रहा है। क्योंकि एग्ज़ाम 10th बेस पर था तो सभी को ये पहले से ही अंदाज़ा था कि एग्ज़ाम आसान आने वाला है। हालांकि आजकल की इंडिया में उससे राजस्थान भी अलग नहीं है, बेरोज़गारी की समस्या इतनी भयंकर है कि MA पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वाले वो भी इस वैकेंसी में अप्लाई ज़रूर किया होगा दोस्तों, और उनका लेवल फिर कहाँ 10th क्लास का स्टूडेंट और कहाँ उनका लेवल, तो फ़र्क तो पड़ता है। लेकिन एग्ज़ाम लेवल का भी हम यहाँ डिस्कशन कर लेंगे कितना फ़र्क पड़ेगा। मैथ का आपने पैटर्न आपको मालूम है दोस्तों कि किस तरह से एग्ज़ाम हुआ था, 15 क्वेश्चन आपके मैथ के आए थे हर एक एग्ज़ाम में, GK के 30, साइंस के 10, इंग्लिश के 15 और हिंदी के 30, ये पैटर्न रहा था। टोटल 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होना था, तो 100 नंबर के एग्ज़ाम में मैं अगर एग्ज़ाम का एनालिसिस करूँ तो मैथ आपका ईजी था, आप हर कोई ईजी से ईजी स्टूडेंट, एवरेज से एवरेज स्टूडेंट 12 क्वेश्चन डेफिनेटली करने वाला था और किए भी हैं। GK करने वालों ने तो 30 भी किए हैं, लेकिन 25 में किसी को कोई संशय नहीं है, 25 क्वेश्चन हर एक अटेम्प्ट करके आया है। मॉडरेट की बात कर लूँ तो
साइंस का पोर्शन था आपका कुछ मॉडरेट था, जैसे उन्होंने करंट इन्वेंशन पूछ लिए, थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन 7 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले साइंस के स्टूडेंट्स के, और हिंदी और इंग्लिश तो बिल्कुल ही जैसे हलवा आई थी, बहुत ही आसान थी। इंग्लिश के 12 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए और हिंदी के 26 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। ये मैं कह रहा हूँ कि इतने क्वेश्चन तो अटैम्प्ट तो आपने 100 out of 100 किए हैं, लेकिन सही ये क्वेश्चन आपने डेफिनेटली सही करने थे। और इनके बेस पर दोस्तों जो आंकड़ा बनता है 82 क्वेश्चन हर कोई कर ले जाता, चाहे सही या गलत, ज़्यादा संभावना है कि 82 तो सही करने वाले स्टूडेंट बहुत सारे मिलेंगे जिनकी गिनती भी नहीं हो सकती। लेकिन क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें गिनती तो करनी पड़ेगी। अब इन बेसिस पर हम करते हैं कट ऑफ का आपका एनालिसिस क्या रहने वाला है। तो दोस्तों चलिए उस स्लाइड पर चलते हैं, आ गई है आपके सामने। बेस बनाकर मैं आपको बता देता हूँ, जनरल के स्टूडेंट्स को 82 प्लस स्कोर करना पड़ेगा अगर उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है हेल्पर 2 की इस भर्ती में। बीसी स्टूडेंट जो ध्यान से सुने, 80 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। एमबीसी को भी 80 प्लस, एससी को 72 और एसटी कैटेगरी वाले सुन रहे हैं तो 72, यानी एससी 75 सॉरी एसटी 72 प्लस। ये आपको प्लस इसलिए कह रहा हूँ कि इससे कम की संभावना 0.5% है, 0.5% इससे कम मेरिट रहने की, लेकिन इससे ज़्यादा रहने की भरपूर संभावनाएं हैं। तो अगर आपका स्कोर आ रहा है अपने एग्ज़ाम में जनरल कैटेगरी का 82, बीसी का 80, एमबीसी में भी 80, एससी का 75, एसटी का 72, तो आप निश्चिंत हो सकते हैं आप जा रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उन 1.5 टाइम्स कैंडिडेट्स के साथ जो करवाएंगे अपना दस्तावेज सत्यापन। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो अपने कमेंट करके इसके बारे में अपने सुझाव जरूर दें, और हम आगे 2 या 5 दिनों में जैसे ही समय मिलता है आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे, हम लाइव सेशन भी इसके कट ऑफ के रिगार्डिंग करने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़ें और अपने सुझाव दें, तब तक के लिए धन्यवाद।